the Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा एक बार फिर से ढेर सारी खबरों के साथ, जानकारियों के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वर्ल्ड हार्ट डे की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जी हाँ, आज है विश्व हृदय दिवस, तो आप सब अपने हृदय का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, अपनी हर धड़कन को ख्याल से रखिएगा। और इसी शुभकामनाएं के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब आपको देते हैं खास जानकारी जो आपके फ़ोन से रिलेटेड है, जो आजकल हम सब की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। अगर आपको ये पता लगाना है कि आपका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है या नहीं, तो आप ये मैसेज के ज़रिए पता नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको सामने वाले के नंबर पर कॉल करना होगा, इसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। ब्लॉक किए गए नंबर का पता इस तरह लगाया जा सकता है कि जिस नंबर पर आपको शक हो तो आप उस पर कॉल करें। अगर फ़ोन बार बार व्यस्त आता है तो इसकी पूरी संभावना है कि आपका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है तो किसी दूसरे नंबर से कॉल करके देखें। दूसरे नंबर से लंबी रिंग जाती है और कॉल उठ जाता है, तो आप श्योर हो जाइए कि आपका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। ये है ट्रिक, आसान ट्रिक ये पता लगाने की कि यदि किसी ने आपका नंबर ब्लॉक किया है। टेक महिंद्रा ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ITI लिमिटेड के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने की अग्रिम चरण की शुरुआत कर दी है। ज्ञात हो कि ITI अगले कुछ महीनों में 4G और 5G उपकरण बनाने में सक्षम होगी। व्यास ने कहा कि 4G और 5G डिजाइन के आदान प्रदान के चरण में है। टेक महिंद्रा नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष व्यास जी का ये कहना है कि वो योजना पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसका परीक्षण भी किया जाना है। अगले कुछ महीनों में ये लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ITI के साथ प्रौद्योगिकी साझेदारी सार्वजनिक क्षेत्र में इस कंपनी को फिर से पटरी पर लाने की सरकार की इच्छा के अनुरूप है। जी हाँ, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच देश में स्वदेशी तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए अब अच्छा अवसर भी है। टेक दिग्गज गूगल ने अपने वीडियो प्लेटफॉर्म गूगल मीट को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने कहा 30 सितंबर 2020 के बाद गूगल मीट के फ्री वर्जन को सिर्फ 60 मिनट तक के इस्तेमाल किया जा सकता है। 60 मिनट से ज़्यादा समय इस सर्विस को लेने के लिए पैसे देने होंगे। अभी गूगल मीट पर फ्री आप वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। गूगल के प्रवक्ता द वर्ज को एक ईमेल में बताया कि प्रोमो और एडवांस फीचर्स की पूरी तैयारी में बदलाव की पूरी जानकारी उनको मिल चुकी है। अगर कुछ ऐसा होता है तो वो ज़रूर जानकारी देंगे। बता दें कि अभी गूगल अकाउंट के साथ कोई भी शख्स गूगल मीट के जरिए 100 लोगों के साथ एक साथ फ्री में वीडियो कॉल कर सकता है और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोरोना की वजह से लोगों को पैसे से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे सबसे पहली सबसे बड़ी समस्या है अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की। इसी कारण से बैंक ग्राहकों से जुर्माने के तौर पर बड़ी रकम वसूलते हैं। ऐसे लोगों के लिए देश में कई बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑफर करते हैं। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती। बता दें, बहुत से बैंक में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 10,000 रुपये तक होती है। जैसे IFC फर्स्ट बैंक प्रथम सेविंग अकाउंट, इस जीरो बेसिक सेविंग अकाउंट में किसी भी ATM में कितनी भी ट्रांजेक्शन करने का फ़ायदा मिलता है। आप मोबाइल बैंकिंग और नेटवर्किंग की सेवाएं भी मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। यस बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, HDFC ऐसे तमाम बैंक हैं जो जीरो बैलेंस पर आपका अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक से जुड़ी एक और जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत खुशखबरी भी है। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के बीच त्योहारों के मौसम में खुशियों के संचार के लिए देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक ने अपने रिटेल कस्टमर्स के लिए स्पेशल ऑफर की एक सीरीज पेश की है। बैंक ने योनो YONO के जरिए कार, गोल्ड, पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों के लिए प्रोसेसिंग फी में 100% की छूट की घोषणा की है। आपने सही सुना, 100% छूट की घोषणा की है। बैंक कार लोन लेने वालों के लिए न्यूनतम ब्याज दर 7.5% से ऑफर कर चुका है। चुनिंदा मॉडलों पे 100% ऑनलाइन फाइनेंसिंग भी मिलेगी। घर खरीदने वालों के लिए भी स्पेशल ऑफर दिया गया है।
तो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं या अपने सपनों की गाड़ी, तो आप SBI से संपर्क कर सकते हैं। चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं को अब पंजीकरण के दौरान पुराने COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। उत्तराखंड चार धाम प्रबंधन बोर्ड ने नई SOP जारी करते हुए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। श्रद्धालु अब बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण कर धामों में प्रवेश कर पाएंगे। जी हाँ, इस दौरान यदि COVID-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं होगी। हेलीकॉप्टर से आने वालों को पंजीकरण जरूरी नहीं है। ऐसे यात्री जो सीधे हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं तो उन्हें बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। कंपनियों को भी इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। कोरोना महामारी के चलते मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन को अनलॉक करने का पांचवा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके दिशा निर्देश अगले 1-2 दिन में जारी हो जाएंगे। माना जा रहा है अनलॉक 5 में मॉल, स्कूल, सिनेमा हॉल खोलने की छूट मिल सकती है। वहीं पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर आवागमन के नियमों में भी ढील की उम्मीद की जा रही है। जी हाँ, अनलॉक 4 चल रहा है फिलहाल और 30 सितंबर तक के लिए ये है। चौथे चरण में सरकार 21 सितंबर से स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की इजाज़त दे चुकी है, लेकिन इसमें कई शर्तें भी थी। इसके अलावा त्योहारी सीजन होने के चलते उम्मीद की जा रही है सरकार मॉल खोलने की इजाज़त दे देगी। हालांकि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण जारी है उसे सरकार अनिश्चय की स्थिति में है, लेकिन व्यापारियों के लिए सही कारोबार का वक्त यही है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अब कई प्रभावी दवा नहीं बन पा रही हैं। ऐसे में एकमात्र विकल्प टेस्ट करके उसको जानना हो सकता है कि किसको पॉजिटिव है और किसको नेगेटिव। इसी बीच WHO ने महानिदेशक ने सम्मेलन में कहा कि कोरोना वायरस के लगभग 12 करोड़ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट निर्मम और मध्य आय वाले गरीब देशों को अधिकतम $5 प्रति यूनिट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने ये बात सबके सामने कही और कहा कि साथ मिलकर 12 करोड़ कोविड की जांच के अत्यधिक और आसानी से उपयोग किए जाने वाले रैपिड टेस्ट 6 महीने में उपलब्ध कराने की सहमति व्यक्त की है। भारत में मुंबई उच्च न्यायालय के ने एक महिला छात्रावास से गिरफ्तार 3 महिलाओं को रिहा करने का आदेश दिया। भारतीय मीडिया ने उच्च न्यायालय के हवाले से कहा कि वेश्यावृत्ति कानूनी अपराध नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक वयस्क महिला को अपने पेशा चुनने का अधिकार है, उसे बिना सहमति के हिरासत में नहीं लिया जा सकता। वहीं न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की एक बैठक ने कहा कि PITA 1956 का उद्देश्य वेश्यावृत्ति को समाप्त करना नहीं है। सत्तारूढ़ ये कहता है कि कानून का कोई भी प्रावधान वेश्यावृत्ति को अपराध नहीं बांधता है, इस कारण वो दंडित करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। मुंबई पुलिस ने 3 महिलाओं को यौन गतिविधियों से गिरफ्तार न होने पर भी उनको रिहा कर दिया। धान की कटाई शुरू होने के साथ पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से देश की राजधानी दिल्ली में फिर गैस चैम्बर के रूप में तब्दील होने की आशंका बढ़ गई है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर रोक है और इसे सख्ती से लागू करने के लिए दोनों प्रदेशों की सरकार की ओर से कई बार जरूरी कदम उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद अगर किसान पराली जलाते हैं तो उसकी वजह से जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। किसानों की माने तो पराली जलाना उनकी मजबूरी है। हरियाणा में एक किसान ने बताया कि धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई करने के बीच बहुत समय होता है, जबकि धान की पराली का प्रबंधन इतने कम समय में करना मुश्किल होता है, लिहाजा किसान मजबूरी में पराली जलाते हैं। अब देखना होगा कि ऐसे में और क्या नियम लागू हो सकते हैं। अब आपके लिए ट्रेन में सफ़र करना हो जाएगा और महंगा। दरअसल रेलवे कई बड़े स्टेशनों पर यूजर्स फी वसूलने की तैयारी कर रही है। ये ट्रेन टिकट का हिस्सा होगा। TOI में छपी रिपोर्ट के अनुसार AC कोच पैसेंजर्स सबसे ज़्यादा यूज़र फी देने के लिए तैयार हो जाएं। यदि एक यात्रा करने वाले को ₹30 यूज़र फी के तौर पर देने पड़ सकते हैं। AC 2 और 3 में यात्रा करने वालों को यूज़र फी कम देनी होगी, जबकि स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए मामूली ही होगी। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक मिनिमम यूज़र फी ₹10 होगी। रेल मंत्रालय इस बारे में प्रपोजल पर काम कर रहा है, जिसे जल्दी ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ, और आप हमारी वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। सह आभार। डेली हंट, डेली हो। नमस्कार।